जिसके ऊपर मुझे गर्व हो रहा, मैं सलूट करती हूँ कुरार चौकी की पुलिस को और मुंबई की पूरी पुलिस को। इधर इधर सर। आज ये उत्तर प्रादेशिक विभाग की तरफ से 83 प्रॉपर्टी क्राइम जो लास्ट ईयर में जिसका प्रॉपर्टी रिकवर होके वापस देना था, ऐसे 1,32,00,000 की प्रॉपर्टी आज तकरारदार जो थे उनको वापस देने का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें चेन स्नैचिंग, मोटर व्हीकल थेफ्ट, रॉबरी, डिकॉयटी, हाउस ब्रेकिंग, ऐसे गुन्ने में जो प्रॉपर्टी जब्त की गई है वो वापस देने का कार्यक्रम हुआ। और अच्छी तरह से ये कोर्ट का जो प्रोसीजर था वो पूरा करने के लिए भी हमारे अधिकारियों ने उन तकरारदारों को सहकार्य किया है। एक अच्छा कार्यक्रम नए साल के पूर्व संध्या पे उत्तर प्रादेशिक विभाग में ऑर्गेनाइज किया गया। मेरा बहुत आज तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, पुलिस के ऊपर मुझे गर्व हो रहा, मैं सलूट करती हूँ कुरार चौकी की पुलिस को और मुंबई की पूरी पुलिस को। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब मेरे को यकीन नहीं था, मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, मेरा चीज़ मेरे को मिलेगा नहीं मुझे यकीन नहीं था, लेकिन मेरे को मिल गया। मेरे को बहुत बड़ा एकदम अच्छा लग रहा है पुलिस के लिए, मेरा गले का, कान का और छोटा बड़ा दोनों कान का चेन गई थी, बच्चे लोग के लॉकेट गए थे गले में पहनने वाले, नेकलेस गया था 15 ग्राम का। हाँ मेरे को मतलब मैंने क्या ना बहुत मजदूरी करके मतलब ये सोना बनाई हूँ और मिला ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा पुलिस के लिए। विरल रामबिया यांची गाडी चोरीला गेली होती, दिनेश कांतारा कमरेश पांडे कुठचे तक्रार इधर सर दहिसर पोलीस स्टेशन पीआय मराठे, यापुढे आहे बोरिवली पोलीस स्टेशनची टीम, पीआय रवींद्र आव्हाड, पोलीस हवालदार बाबाजी हरम आणि पोलीस हवालदार महेंद्र जाधव। आज उत्तर प्रादेशिक विभागाचे अपर पोलीस आयुक्त श्री प्रवीण पडवळ यांनी हे अतिशय पॉझिटिव्ह आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह असा कार्यक्रम नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेला आहे, ज्यामध्ये 83 वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी क्राईम मालमत्तेच्या विरोधातल्या गुन्ह्याच्या संदर्भाने जेवढे काही चोरीला गेलेले मुद्देमाल होते त्यातला 1,32,00,000 मुद्देमाल परत सर्वसामान्य तक्रारदारांना देण्याचा कार्यक्रम हा आयोजित केलेला होता। यामध्ये मंगळसूत्रापासून ते मोटरसायकलपासून ते रिक्षापासून ते चांदी सोन्याचे दागिने, घरफोडी, चोरी, चेन स्नॅचिंग, वाहन चोरी या इतर सदरातल्या गुन्हा पोलीस असण्याची बतावणी करून सिनियर सिटीजनना फसवल्याचे सुद्धा आपण काही मुद्देमाल परत दिले आणि लोकांच्या भावना अतिशय चांगल्या होत्या। म्हणजे अगदी एक ऑटो ड्रायव्हर ज्यांची ऑटो चोरीला गेली ते चप्पल काढून वरती आले, आम्हाला आनंद आहे की एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीची BMW किंवा मर्सिडीज चोरीला गेल्या परत देण्यापेक्षा हा सर्वसामान्य माणसाला मोटरसायकल किंवा ऑटो रिक्षा परत देणं हा अतिशय महत्त्वाचा आहे। आणि त्यासाठी जे काही कायदेशीर सोपस्कर होते ते आमच्या PI ॲडमिन डिटेक्शन ऑफिसरनी त्या लोकांना कायदेशीर मदत मिळवून कोर्टातनं आदेश मिळवून हा छोट्या पिरियडमध्ये म्हणजे 2-3 महिन्यांमध्ये ही सगळी कारवाई करून मुद्देमाल परत दिलेला आहे। इतर रिजनसुद्धा अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम सुरू आहेत, माननीय पोलीस आयुक्तांनी दक्षिण प्रादेशिक विभाग आणि मध्य प्रादेशिक विभागात असे कार्यक्रम अटेंड केलेले आहेत आणि हा उत्तर प्रादेशिक विभागातला अतिशय चांगला कार्यक्रम